नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू द अनफोल्डिंग प्ले। एक और नया दिन और सफर चालू हो चुका है और मैं और बटर येवला से निकल चुके हैं कृष्णेश्वर की तरफ, जो करीब करीब 80 किलोमीटर है। लगभग हम लोगों को 3 दिन लगने चाहिए। हेलो, कैसे किधर अभी कृष्णेश्वर जा रहे किधर? आप कहाँ से? क्या किया? हाँ, मैं येवला रुका हुआ था। हाँ, बस बटर को देख के पहचानते हैं लोग, बटर को देख के पहचानते हैं। इसलिए रुका इधर में, आज बटर में रुका देख लिया। आपका अभी कृष्णेश्वर जा रहा है? हाँ, फिर येवला ये रहते। हाँ, उधर देखा आपको? सही सही, तो पहचान इधर आके रुक गए। सही सही सही, थैंक यू यार, थैंक। चलो चलो, आप काम पे जा रहे हो क्या? मैं अभी कॉलेज में आ रहा था इधर में। अच्छा, कॉलेज में? सही सही सही, जा रहा था लेकिन उसको देखा तो। हाँ, बटर को देख के पहचानते हैं भाई यार, मेरे को देख के तो बहुत कम लोग पहचानते हैं। क्या बटर? थैंक यू। ये तो गाइस, येवला से निकले थे हम लोग और बटर आडम के फैन बन गए। मतलब उन्होंने पहले नाम तो मेरे लिए, मेरे को लगा शायद, मुझे लगा शायद मुझे पहचानते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें बस मेरा नाम पता था। जानते तो हमारी बटर मैडम को ही है सब। ये सफर कितना भी सुंदर अद्भुत क्यों ना हो, इस सफर की जान जो है वो तो बटर मैडम ने ही बसती है। बाकी फिलहाल अभी अपडेट अगर रास्ते का दें तो बहुत ही प्यारा रास्ता है, बड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं हाईवे सुबह सुबह, और ये सीधा कृष्णेश्वर जाएगा 80 किलोमीटर, मतलब 3 दिन। बहुत ही सुंदर ट्रिप है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग व्यू है। और मैंने एक अच्छा सा ये ओला में सेल्फी स्टैंड लिया है ताकि मैं आपको डिस्टेंस तक दिखा सकूं। मैं अपने व्लॉग्स रीवॉच कर रहा था, पता नहीं सब लोग इतने सारे सजेशन देते हैं, सजेशन किसी ने नहीं दिया अभी तक, कि मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रहा था तो मोस्टली जो है शाम तक आते आते मैं थक जाता था, तो व्लॉग जो है वो ऐसे रिकॉर्ड होते थे और पीछे का रेयरली दिखता था, तो इसलिए मैंने वो देख के दोबारा नोटिस किया। मैंने कहा यार मोस्टली शॉर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं, स्पेशली शाम तक जब तक व्लॉग एंड होता है, तो इसीलिए एक बढ़िया एंगल देने के लिए, आसपास की विड्थ बढ़ाने के लिए स्क्रीन पे एक ठीक ठाक सा सेल्फी स्टैंड ले लिया, तो चल जाएगा। मैं और बटर अभी स्टेट हाईवे 752 पे चल रहे हैं। हम लोगों को इस हाईवे की वजह से जो है औरंगाबाद घुसने की जरूरत नहीं है, हम लोग औरंगाबाद को इस साइड ऑलरेडी छोड़ देंगे, और हम लोगों को इस साइड जाना होगा जो वेल्लूर और अजंता एलोरा साइड है। अब कृष्णेश्वर तक जो है यही सीधा रास्ता है, मुझे और बटर को कहीं नहीं मुड़ना, बस इसी सीधे रास्ते पे चलना है। देखो गाइस, मौसम तो बहुत अच्छा है, पर क्या है कि मन जो है ना कम्प्लीटली सेटिस्फाई है और खुश तभी हो पाता है जब खाना मिलता है। खाना है तो जिंदगी है, खाना इज द बेस्ट थिंग। हाँ, सही बात तो है। देखो बटर, ये तो सही कह रहे हो। मैं ना हमेशा सही बात करती हूँ, तो ये बता खाना क्या है? तुम बताओ क्या खाना है? और आइसक्रीम के अलावा बताओ। ये क्या बात होती है, तुमने बेस्ट ऑप्शन तो निकाल ही दिया, फिर तो क्या, फिर तो सारा खाना एक ही जैसा है, फिर तो कुछ भी खा लूंगी मैं। हाँ, तो कुछ भी चलेगा, तो फिर जो भी मिलेगा वही खा लेंगे। ओफो, ये कोई बोरिंग सा खाना खिलाएगा आज। किसी ने बोला यहाँ से बस आगे 5-10 मिनट में आपको चाय की दुकान मिल जाएगी। अंकल, यहाँ के चाय का दुकान है क्या? चलो चलो, अंदरसूर। हाँ। कितना किलोमीटर? आता 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, उससे पहले कोई चाय का दुकान नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही चलना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद भाई। अंकल ने तो 4 किलोमीटर बोल दिया यार, मुझे तो लग रहा था 1-2 किलोमीटर होगा, पर कोई नहीं, अब जैसा भी है। हो भी सकता है शायद कोई टपरी वपरी हो जो अंकल को ना पता हो 4 किलोमीटर से पहले, क्योंकि पहले किसी आदमी ने बोला था कि भैया 5-10 मिनट में दुकान पड़ जाएगी, पर वो आदमी से ज़्यादा भरोसा मेरे को अंकल पे है, क्योंकि अंकल ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है इधर। अंकल जी बूढ़े हो चुके हैं तो अंकल को ज़्यादा पता होगा विशफुली, पर देखते हैं, कोई नहीं, इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, चल तो सकते हैं थोड़ा देर, और जितना ज़्यादा चलेंगे सुबह सुबह उतना ज़्यादा जल्दी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो गाइस, अपेरेंटली अंकल गलत थे और यहाँ पे दुकान है, हालांकि ये दुकान जो है GPS पे नहीं दिखा रहा है,
आगे एक होटल है लाल बोर्ड सा, वहाँ पे वो दिखा रहा है, बट हम लोग यहाँ जाएंगे जहाँ पे चेयर रखी हुई है। ये नाश्ते की दुकान है, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर आराम से चलेंगे। तो हम लोग अंदर सुर में है अली, और जो मेन गांव आगे पड़ा था वो 4 किलोमीटर आगे है, अंकल जो बोल रहे हैं उन्हीं का गाँव है, मेन मार्केट आ गया, बट दुकान मिल गई है। नाश्ता तो नहीं है यहाँ पे, नाश्ता आगे ही मिलेगा, तो मैं अपने लिए चाय ले रहा हूँ, और बटर मैडम को जो है दूध पिला दिया गया है, क्योंकि बटर पहले नाश्ता कर ले उसके बाद मैं तो कर ही लूँगा कहीं ना कहीं से। 6.5 किलोमीटर कवर किए हैं, 6.3 एक्चुअली, 1.5 घंटा लगातार चले मैं, और मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो गया। और अभी बारिश तो हो नहीं रही है, बारिश हो सकती है बाद में, चाय पी के नाश्ता तो आगे ही मिलेगा 4 किलोमीटर आगे मुझे, तो मैं करूँगा आगे नाश्ता, चाय पी के फिर निकलते हैं। भाई अंकल जी मेरा बैग उठाने का ट्राई कर रहे हैं, उठाओ उठाओ। हाँ नहीं 18-19 किलो। अभी इसमें कुत्ते का अभी बटर का खाना नहीं है, नहीं तो वो करीब करीब 25-26 किलो हो जाता है, उसे पीछे वो कर दो अंकल जी, ऐसे कर, चलेगा चलेगा। हाँ भैया ने उठा के बोला, देखा था तो भैया बोल रहे थे अंकल को एक बार उठा के देखो कितना भारी है। अभी बटर का खाना नहीं है, पर सही है, मेरे को तो आदत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया लोगों को भारी लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा भारी है ना, 18 किलो है, ज़्यादा नहीं। हाँ मेरे को आदत हो गया ना रोज़ 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 का चल के। हाँ बोर्ड आ गया है भाई, वेजापुर औरंगाबाद नागपुर का, औरंगाबाद 97, बट कृष्णेश्वर या अजंता एलोरा का कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो एलोरा में पढ़ते हैं, और हम सब ने अजंता एलोरा का नाम जो हिस्ट्री में सुना है, एक ऐसा मैग्निफिसेंट टेंपल जो एक ही पत्थर से ऊपर से नीचे तक कार्व है, और वो कैसे किया गया आज तक कुछ पता नहीं है। काफ़ी वेस्टर्न साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक एलियन टेक्नोलॉजी थी, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी थी हम लोगों के पूर्वज की थी। अब देखो सच क्या है तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि एलोरा का ये मंदिर हमारे देश की सभ्यता का एक मेजर मंदिर है, जिसको घूमने का मौका मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा। हम लोगों को अभी जो गांव पड़ने वाला है वो है अंदरसूल। अंदरसूल जो है वो एक टाउन या कस्बा टाइप है, जैसे येवला था, येवला थोड़ा बड़ा था, मैप पे देखने से तो यही लग रहा है कि येवला थोड़ा छोटा है। अब हो सकता है कि अंदरसूल जो है वो यहाँ पर काफ़ी मेजर टाउन हो, मतलब तहसील वहसील ऐसा कुछ हो। अब वो तो देखो कितना बड़ा टाउन है, वो तो दुकान और ब्रांड देख के पता चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ब्रांड्स और चीज़ें एक शहर या गांव में होती हैं वो डिफाइन करता है कि वो गांव है, कस्बा है, टाउन है, वन टायर टू टायर सिटी है, या फिर एक हाई लग्जरी सिटी जैसे बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, नोएडा ऐसा। और वो छोटी छोटी दुकानों पे इवन पान की शॉप्स होती हैं या चिप्स की दुकान होती है ना, जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर को देख के समझ में आ जाता है जो सामान वहाँ पे मिलता है। एक कस्बे या टाउन में आपको जो है कुरकुरे के जो है अलग वर्जन मिलेंगे, लेज और ऐसे चिप्स के अलग वर्जन मिलेंगे, और छोटे गाँव में जाओगे तो आपको ओपन चिप्स मिलते हैं मोस्टली। तो एक जनरल स्टोर से भी पता लगा सकते हो कितना बड़ा शहर है, और बाकी होटल और ब्रांड्स और दुकानें देख के आसपास समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये शहर बड़ा है या फिर ये छोटा गांव है। अब देखो इतना बार पैदल चल रहे हैं तो कुछ नुस्खे तो ढूंढ निकालेंगे। तो गाइस अंदरसूल एंटर कर रहे हैं हम लोग, दो रोड है, एक रोड वहाँ से जा रही है वो जो हाईवे जिस पर हम आ रहे थे, बट हाईवे जो है थोड़ा घूम के जाएगा, और अंदर अंदर से हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को सीधा सीधा जाना है, और कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो इसलिए हम गांव के अंदर से होके जा रहे हैं। मैं और बटर जो है पैदल चल रहे हैं, तो जितने भी किलोमीटर हम लोग बचा सकते हैं उतने किलोमीटर बचाने की कोशिश करेंगे, और 1.5-2 किलोमीटर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो अच्छा ही है, 1.5-2 किलोमीटर का मतलब कम से कम 20 मिनट। और एक नई जगह आए और बटर के दोस्त स्वागत ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। ये बटर तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगी पहली बार को इतना क्यूट दिखा तो पागल हो गए। ये देखो 2-3 हो गए ऐसा ही, और क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, चलो चलो गांव से गुजरने में भी एक अलग मजा है, बच्चे से देख रहे हैं कौन जा रहा है। हाईवे रास्ता सीधा है ना? हाँ ठीक 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 है, है? रही है।
रास्ता छोटा करने के लिए गांव के रास्ते तो आ गए, पर ये देखो देखो बटर के पीछे देखो कैसा पर गांव के अंदर कोई चाय वाय ऐसी चीज़ किसी की दुकान नहीं है। सारी जो दुकानें वो हाईवे के साइड ही थी और हम लोगों ने हाईवे वाला एरिया जो है वो ऐसे बाईपास कर दिया। पर अच्छी बात यह है कि बटर ने ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ है, मेरा चल जाएगा, कुछ नहीं होगा तो दो चाय और पी लेंगे। अरे बच्चे अभी पीछे आ रहे, अबे कहाँ तक जाओगे, हैं कहाँ जा रहे हो? खाना खाने का। किधर मिलता है क्या, क्या मिलता है? हैं सप्ता मतलब भगवान का प्रसाद ऐसा? हाँ। ओ पूजा हुआ क्या अभी कुछ दिन पहले? हाँ। सही सही। ये कहा अग्र नहीं, क्या नाम था इस गांव का? अंदरसूल। हाँ अंदरसूल। मैं चला वेलोर औरंगाबाद, मैं आया उत्तराखंड बद्रीनाथ से। हाँ है अभी किधर जा रहे? नहीं नहीं क्या बोले, किधर जा रहे? कृष्णेश्वर वेलूर अजंता लगा आ रहा है, तेरा आवाज भी आ रहा है, सबका आवाज आ रहा है। तो मेरा आवाज आ रहा है क्या ऐसा है बच्चे जो है। अच्छा इधर अभी कोई पूजा चल रहा है? हाँ। कौन से भगवान का? हाँ हाँ पता नहीं कुछ तो है, कोई पूजा वूजा चल रही है शायद गाँव में। तो बच्चे जो है सब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, भंडारा भंडारा ऐसा खाने, प्रसाद खाने। मुझे लगा दुकान पर जा रहे हैं, मैंने कहा अरे दुकान है, खाना मिल गया बहुत अच्छा हो गया। पर आगे भी खाने, चाय का दुकान है गांव के बाहर इधर से सीधा? सीधा। कितना दूर? एक दो किलोमीटर पास में ही मतलब? ठीक है। उधर बड़ा पाव ऐसा सामान मिलता क्या? मिलता है, हाईवे पे सब मिलता है। ठीक है ठीक है, तो हाईवे पे जाएंगे भाई, फिलहाल चलते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है सत्संग, है ऐसा कुछ मेला वेला हो रहा है। अम्मा ये कौन से भगवान का पूजा हो रहा है, ये कौन से भगवान का पूजा हो रहा है? नागेश्वर भगवान का। वो बच्चों को पता नहीं था, तुम लोगों को पता नहीं था ना? पता था पता था। अच्छा अच्छा, शायद वो मराठी में बोल रहे थे, नागेश्वर भगवान का पूजा हो रहा है इधर। तो चलो बाय, भंडारा भंडारा खाना बढ़िया भाई। बच्चा पार्टी तो खेलने आ गई है इधर, वहाँ सब कुछ छोड़ के। सही है बच्चों को खेलना ही चाहिए, पार्क पूजा बुजुर्ग लोग कर लेंगे अभी, इन लोगों का खेलने का मन है वैसे ही। बाय 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 बाय। ये हाईवे पे दोबारा कनेक्ट हो चुके हैं गाइस, यही वो हाईवे है और हम लोग पूरी पिछले वाली रोड से आए हैं। मेरे जूते जो है कीचड़ भरे हो गए हैं, इतना कीचड़ हो गया ये देखो। कोई दिक्कत नहीं है, पर तब तक टाइम बचा और किलोमीटर बचे तब तक सही है। ये सामने दुकान है भाई, ये बियर शॉप नहीं, आगे वहाँ पे बियर शॉप बनाता हुआ है, नाश्ता वास्ता चाय वाय देखते हैं क्या है, मिसल पाव ब्रेड पकौड़ा सब दिख रहा है वहाँ पे, बट बना हुआ क्या है मेरे ख्याल से होगा मिसल पाव या बड़ा पाव तो होगा ही होगा कम से कम। इस खाने का समय हो गया है, हवा चल रही बहुत तेज, हम लोग भैया के साथ बैठे हैं। भैया की दुकान मिल गई थी, ब्रेड पकौड़ा वड़ा पाव, हाँ कुछ तो खाएं, चाय पी लेंगे। हाँ मेरा चैनल है यूट्यूब, यूट्यूब पे चैनल है। हाँ तो बटर की आवाज़ तो आपने सुनी ली, हूँ कर लिया दूसरे कुत्तों में, मैं कहा पेट में कुछ जाना चाहिए। सुबह से 11 किलोमीटर हो गए हैं, 10-15 और चल रहे हैं आगे। वैसे नाश्ते खाने का दुकान मिलता रहेगा? मिलता रहेगा, 3-4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर हाँ 3-4 किलोमीटर में है। अभी 1:40 हो रहे हैं, आराम से 3 बजे करीब दोबारा कुछ खा लेंगे, खाते हैं फिर चलते हैं। मैं और बटर जब गांव-गांव के रास्ते जाते हैं ना तो हम लोगों के पैसे भी कम खर्च होते हैं। अभी तक सुबह से कितना 70 रुपये लगे थे जब मैंने 2 चाय पी थी और बटर ने दूध पिया था, और उसके बाद 40 रुपये भी लगे, तो टोटल जो है 110 हो रखा है अभी का बिल।
और यही हम लोग सिटी में होते तो 150 रुपये तक का जो है नाश्ता ही होता कम से कम, तो फ़र्क तो पड़ता है। देखो अभी फ़िलहाल शांत रोड है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की जगह धूप आ सकती है, मतलब कल परसों की तरह। लास्ट के कुछ दिन में ऐसा हो गया था, बारिश के मौसम में भी धूप थोड़ी आ गई थी, और एकदम से धूप पड़ती है ना स्पेशली दिन के 2-3 बजे, तो दिक्कत तो होती है गाइस। फिलहाल मेन चीज़ यह है कि हम लोग चल रहे हैं लोग खेतों के साथ, हमारी बटर मैडम बस चल रही है धीरे धीरे करते हुए, और हमारी बटर मैडम जो है साथ में चल रही है, कहाँ गई छुप रही है देखो पीछे छुप रही है। कभी तो बटर सिर्फ सीधा चलती है और कभी बटर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, अभी देखो पीछे चल रही है, बस दिख रही है अपनी धुन में अपनी मस्ती में चलती है। 3 दिन लगेगा ना मेरा चैनल भी 3 दिन लगेगा। पिंपल यहाँ से पिंपल गांव कितना किलोमीटर है? 60 70 किलोमीटर है। हाँ तो आज चलेगा, कल परसों पहुँचेगा? हाँ, नहीं तो हो सकता है कल पहुँच जाए पर परसों पहुँच जाएगा पक्का। मेरा मोबाइल नंबर? हाँ आपका नंबर। तो मेरे अंकल जी मिले थे और उनका पिंपल गांव करके एक गांव है जो कृष्णेश्वर से सिर्फ 12 किलोमीटर पहले है, वैसे ही एक रास्ता दिखा रहा था जो ये पीछे आप रोड देख रहे हो, एक कच्चा रास्ता नहीं आगे से, वैसे एक रास्ता है जो जस्ट आगे 50 मीटर से हमें लेफ्ट लेना है और भी गांव के रास्ते होके जाएगा, वो करीब 65 किलोमीटर था। और ये वाला जो है अगर हम लोग इस मेन स्टेट हाईवे से जाएंगे तो 71 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस है। बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे खाना मिलेगा, और अंकल जी बोल रहे थे कि उस साइड जो है आपको चाय वाय थोड़ा ऐसा मिल जाएगा बट ऐसा प्रॉपर होटल वोटल खाने का नहीं मिलेगा, तो बेटर ये आप यहाँ से चले जाओ, और उनका जो गांव है वो इसी रूट से आएगा। तो अंकल जी चाह रहे हैं कि मैं और बटर जो है उनके पास जाएँ और रुकें कृष्णेश्वर पहुँचने से पहले एक दिन, और अंकल जी के घर रुकें फिर जाएँ, वहाँ से 12 किलोमीटर कृष्णेश्वर पहुँचेंगे तो बहुत ही पास होंगे। पर अंकल जी चाहते हैं कि मैं और बटर जो है वो आएँ, और मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि ऑल दो सभी स्टेट के लोग आते हैं पर महाराष्ट्र में थोड़ा पैदल चलने वाले लोगों को ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट और आउट ऑफ द वे जाके लोग हेल्प करते हैं, और उसका एक रीज़न ये भी है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैदल यात्रा होती है किसी भी स्टेट को अगर हम देखें उसमें से, क्योंकि यहाँ पे शिरडी साई की यात्रा होती है, पंडितपुर विठ्ठल महाराज की यात्रा होती है, अब सावन है तो सावन में त्र्यंबकेश्वर कृष्णेश्वर और भीमा शंकर की यात्रा होती है, और ऐसा कई और भी स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ पे जो है यात्रा चलती रहती है। तो लोगों का मान जो है वो ये है कि थोड़ी बहुत जो भी सेवा कर सकें अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है या उसकी कुछ हेल्प कर सकें तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र में जो है एक कदम लोग आगे जाके हेल्प करते हैं। अब अंकल जी का घर है वो करीब 12 किलोमीटर कृष्णेश्वर से पहले है, तो अंकल जी ने यहीं पर रोके बोला कि नहीं नहीं एक दिन मुकाम करके आना, एक दिन रुक के जाना, तो ऐसा है। फिलहाल तो आज कहाँ रुकेंगे ये देखना है, सुबह से 15 किलोमीटर कवर करेंगे, करीब करीब एवरेज के लिए 5-6 किलोमीटर और कवर कर लें, उसके बाद कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। भाई देखो ऐसे जो घर होते हैं ना वो बेसिकली मूवेबल घर है, ये सब ट्राइबल लोग हैं या फिर दूसरी स्टेट से आए हुए लोग हैं जिनके पास परमानेंट लैंड नहीं है। हम लोग के यूपी में साइड भुवल्ले बोलते हैं, वो मूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम और ऐसे टेम्प्रेरी घर बना लेते हैं, और ये हर स्टेट में मोस्टली होता है। तो एक लैंड बेसिकली अगर प्राइवेटली ओन्ड नहीं है या फिर गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रही है इस तरीके से कि वहाँ पर कोई काम चल रहा हो, मतलब वो फ्री है, तो यूजली वहाँ पे ये लोग या ट्राइब्स बोल सकते हैं रुकते हैं, और करीब 10-15 दिन ये लोग रुकेंगे या फिर 1 महीना। और मोस्टली जो पैसा आता है इन लोग के पास वो छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाने से आता है, जैसे चाकू और किचन का सामान या ऐसा कोई मेटल का स्टफ, तो और ऐसा जो है आपको हर स्टेट में मिल जाएगा। ये एक पर्टिकुलर ट्राइब तो मेरे को नहीं पता कि कौन से ट्राइब्स हैं या क्या है, बट जितना मुझे पता है कि ये एक मूविंग काइंड ऑफ ट्राइब है जो यूजली राजस्थान एरिया से स्टार्ट होती है, जिन्हें बंजारा भी बोला जाता था। चलते हुए समय का यार गाइस पता ही नहीं चलता, करीब 3 बज रहे हैं देखो अभी, और 3:11 हो रहे हैं,
कुछ पता ही नहीं है, बटर रोड में चल रहे हैं। बटर रोड में चलते जब है ना और अच्छा मौसम हो तो समय का पता नहीं चलता। धीरे धीरे हम गांव, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, फिर चौथे गांव पार करते जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं सूरे गांव में, सूरे गांव नाम है इस जगह का। ये यहाँ पे लेफ्ट में सबसे अच्छी बात है, हर गांव में जो है ना घुसते आपको एक फीलिंग आ जाती है, नेचर बहुत, काफ़ी ज़्यादा नेचर है, मतलब आसपास हर गांव की हरियाली। और ऑफ कोर्स एक मंदिर ज़रूर मिलेगा आपको, ताकि कोई भी वहां रेस्ट कर सके, स्पेशली मेरे और बटर जैसे ट्रैवलर्स। एक होटल मिल गया गाइस, यहां पे कुछ खा लेते हैं क्योंकि मैंने ढंग से नहीं खाया था सुबह से, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा खाया था। हेलो तो देखते हैं क्या मिलेगा, मिसल पाव मिल जाए खाने को या कुछ ऐसा सॉलिड मिल जाए खाने को। लग तो प्रॉपर होटल ही है, होटल लक्ष्मी माता ऐसा करके होटल है। अंकल जी खाने के लिए होगा कुछ, अभी कुछ है भैया खाने के लिए? मिसल वड़ा पाव है, चाय है, ठीक है चलेगा। तो गाइस वड़ा पाव ही खा लेते हैं और कुछ नहीं तो बढ़िया बन। बटर तो सो गया आते ही, और भैया मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो आश्रम है एक, तो हम लोग वहाँ रुक सकते हैं। 17 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो गए तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल तो वड़ा पाव खाते, कॉन्सेंट्रेट करते हैं वड़ा पाव पर, उसके बाद चलेंगे। एकदम से क्रेजी हो गया गाइस, और हम लोग निकले थे ब्रेक लेके और धड़ा तुम धड़म धुम धड़ाम धुम बारिश पड़ने लगी। इतना मौका भी नहीं दिया कि थोड़ा कहीं जाके छुप सकते, और हम लोग वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग 200 मीटर दूर आ गए हैं, तो हम लोग भागेंगे पीछे की तरफ, ऑलरेडी गीले हो जाएंगे। मौसम भाई कैसा भी होने लगता है कभी भी, अब फिलहाल ये पेड़ की छाया में बचेंगे हम लोग, काफ़ी बड़ा पेड़ है, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर। हाँ विशफुली यहाँ पे देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई, जीवन में पेड़ ना हो ना तो बचना बहुत मुश्किल है, चाहे बारिश हो, धूप हो, सांस लेना हो या कुछ भी हो। तो गाइस पेड़ लगाया करो, है ना, बहुत बर्बादी छा रही है, पेड़ लगाओ पेड़। हाँ वेट करते हैं थोड़ी देर, वेट करते हैं फिर चलेंगे। गाइस धोखा हुआ है हमारे साथ, हम लोग रुके, बारिश रुक गई एकदम से, और अब दोबारा चले तो दोबारा होने लग गए। बस जैसा भी है थोड़ा देर सहरा पड़ेगा। मैं और बटर ऑलरेडी 17 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, वहाँ पे जो अंकल जी थे उन्होंने बोला आश्रम है पास में 5 किलोमीटर में, तो मैंने गूगल करके देखा तो एक पेट्रोल पंप के पास वो बता रहे थे, आश्रम तो लोकेट नहीं हो पा रहा है गूगल मैप्स में, पर ऑफकोर्स होगा अगर अंकल जी कह रहे हैं तो, क्योंकि वो कह रहे हैं मंदिर भी और आश्रम दोनों भी हैं, दोनों हैं वहाँ पे, और वो पेट्रोल पंप के जस्ट 100 मीटर आगे है लेफ्ट हैंड साइड पे, और पेट्रोल पंप जो है वो गूगल मैप्स पे करीब करीब 6.7 किलोमीटर दिखा रहा है, तो बेसिकली 7 किलोमीटर ही ले लो, 17 हमारे हो चुके हैं, तो 20 से ऊपर ही हो जाएगा, 24-25 हो जाएगा जो हमारा एवरेज रहता है। तो बारिश हो चाहे ना हो मैं और बटर रहे हैं चल, और ये एवरेज जल्दी से ख़त्म करेंगे। अभी 4 बज रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें हम 5 बजे तक। मुझे सबसे ज़्यादा टफ लाइफ किसी की अगर लगती है तो शेपर्ड्स की लगती है, जैसे बकरियाँ लेके चलना, ट्रैफिक से बचाना, पूरे दिन खाना खिलाना, ये भाई बहुत मुश्किल जॉब है। मौसम की वजह से स्पीड बहुत अच्छी है, बटर में आराम से चल पा रहे हैं, बटर मैडम तो और बढ़िया चल पा रही है एकदम फुल स्पीड में। जब धूप का मौसम आएगा ना और मॉनसून ख़त्म होगा, मैं और बटर बहुत रोएंगे मुझे पता है, क्योंकि इतने प्यारे मौसम से निकल के वापस धूप में जाना भाई बहुत क्रेजी है। पिछले साल मॉनसून में मैं और बटर आंध्रा में थे तो बारिश हुई भी थी पर इतनी नहीं हुई थी, महाराष्ट्र में तो फुल ऑन मॉनसून आता है और सब जगह की बारिश देखी हमने, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, हाँ
हेलो 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 फैन है यार आप। अच्छा 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 आपकी भाई आईडी फॉलो कर रखा हूं मैंने, आप पहचान नहीं पाया। अच्छा 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 कौन है भाई, आईडी दिखाता हूं मैं। थैंक यू राजस्थान से हो क्या? राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? जयपुर से। अरे क्या बात है यार, थैंक यू भाई। तो इधर कहाँ चले? मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ। अच्छा और नहीं नहीं मैम तो पैदल ही जाएंगे हम लोग भी, औरंगाबाद ही जा रहे, कृष्णेश्वर जा रहे। मैंने लव ही दिया था पर मैं देख नहीं पाया। अच्छा अच्छा अरे वो दूसरों फोन दे मेरे कॉल भी नहीं चौक खोल फटाफट। स्पेशली महाराष्ट्र में तो सब जगह की देख ली, कोल्हापुर, पुणे, भीमाशंकर, कल्याण साइड और त्र्यंबकेश्वर, और मतलब ऑलमोस्ट सब जगह महाराष्ट्र में हम लोगों ने मानसून देख लिया है बढ़िया। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को महाराष्ट्र जो है मानसून में पार करने का मौका मिला। जो बेस्ट टाइम है, आप हरा भरा देखो कितना है महाराष्ट्र, अद्भुत ही सुंदर है महाराष्ट्र। इतनी खुशी होती है मुझे कि जब रास्ते में चलते हुए लोग मिलते हैं, वो भी ऐसी जगहों पे, छोटे छोटे गांव में, बताओ कि क्या ही बताओ। यहाँ पे कौन ही मेरे को लगता था कि मेरे को पहचानेगा, सोचो। पर दो भाई ट्रक लेके राजस्थान से जयपुर से औरंगाबाद जा रहे थे और वो बटन मुझे देखते हैं और मिले कहाँ, यहाँ मिले महाराष्ट्र में। इतना प्यार जब मिलता है तो मज़ा आ जाता है यार, मतलब थैंक यू आप लोगों को। चाहे आप YouTube के जरिए हमें जानते हो, चाहे Facebook, चाहे Instagram, आप जानते हो हमारे लिए इतना बहुत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे छोटे छोटे गांव में भी हमें पहचान लिया जाता है, स्पेशली तब जब मैंने दाढ़ी कटवा ली है भाई। मतलब उन दिन तो मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया था, लोग तो भी पहचान रहे हैं, उसका मेन कारण तो देखो ही हमारी पटर है, हम सब लोग जानते हैं। होटल वगैरह तो ऑलरेडी पढ़ने लग गए हैं, जैसे यहाँ पे एक होटल महादेव करके होटल है, पर हम लोगों को जहाँ पे जाना है वो अभी भी 2.5-3 किलोमीटर बचा है। तो वैसे आखिरी ये 2.5-3 किलोमीटर बचे हैं, बट मेरे लिए ये देखो इसको पहले सूंघना है, सूसू करना होगा, जो भी है करने देते हैं। ये देखो मौसम देखो और आसपास नज़ारे देखो, एकदम बढ़िया है। यूँ ही नज़ारे देखते हुए पहुँच जाएंगे। ये हमारा हाईवे जिस पे लगातार ट्रक चल रहे हैं। ये जो आश्रम और मंदिर है ये एक गांव में पड़ेगा जिसका नाम है नंदगांव। ऐसे एक और नंदगांव है महाराष्ट्र में जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जो थोड़ा ऊपर एमपी की डायरेक्शन में है, और ये एक और नंदगांव है जो बस आ गया। और हम लोग जो है अभी दो डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीच में चल रहे हैं। हम लोगों के पीछे जो है हम लोग नासिक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आ रहे हैं, हम लोगों के जस्ट आगे जो है वो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो जितना मुझे लगता है कि नंदगांव से आगे बैजपुर करके एक और तालुका जैसा, ये वाला एक शहर था, ऐसा ही एक शहर है जहाँ से औरंगाबाद चालू होगा। पर फिलहाल हम लोग आज रुकेंगे नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखो एक एक चीज़, एक एक डिटेल हम आपको देते रहते हैं, गांव से लेके, स्टेट से लेके, हाईवे से लेके, सब चीज़ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ किस पे, दी अनफोल्डिंग प्ले पर। तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट वो सब्सक्राइब बटन दबाना है, ताकि मैं और बटन तो यूं ही चलते रहेंगे और आपको जो है सुंदर सुंदर जगहें दिखाते रहेंगे। भारत का नक्शा हर कुछ किलोमीटर में, सिर्फ हमारे साथ। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो फौरन। तो गाइस नंदगांव पहुंच चुके हैं हम लोग, और वहाँ पे पीछे आपको मंदिर की चोटी दिख रही होगी, वही मंदिर और आश्रम है। किसी ने पानी की टंकी के पास बोला था, वो भी पानी की टंकी अंदर लेफ्ट में है। आप देखते हैं, मोस्टली रुक जाएंगे यहाँ पे, कोई मना तो नहीं करेगा, पर तो भी एक बार पूछना तो बनता ही है, बाबा हैं जो भी हैं, एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। तो फटाफट चल के पूछ लेते हैं। बोर्ड ही आ गया गाइस, शिव शक्ति आश्रम नंदगांव, ये रहा आश्रम। जगह मिल गई है शिव शक्ति आश्रम में, भाई लोग हैं, भाई चाहे आपका नाम क्या है? सागर। हाँ, और भाई साहब हैं, और एक हमारे छोटे महाराज जी हैं वहाँ पे जिन्होंने परमिशन दी है मेरी। तो तंबू वैसे यहाँ पे लगाया था, पर हाँ बारिश की वजह से भैया ने कहा उधर लगा लो, वैसे तो कवरिंग है पर ज़्यादा सेफ उधर ही है, वहाँ पे प्लग पॉइंट भी है, बटर उधर ही घूम रही है। चाय पीते हैं फिर चलते हैं। भाई बच्चा लोग अंदर घुस के सफाई कर रहे हैं टैंकर की, पानी का टैंकर तुम्हारा निकाल। तुम्हारा निकाल।
ये इससे भरा जाएगा पानी और ये जाएगा टैंकर के अंदर। अभी ये गंदा पानी है, देखो खा, ये गंदा कैसे हो गया इतना बारिश से? अच्छा अच्छा, इसमें पीने का पानी रहता है? अच्छा साफ करके भरना है, इसमें पीने का पानी रहता है। इस बारिश की वजह से ना मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो इसका सारा पानी निकाला जा रहा है, गंदा हो गया है। देखो ये पीने लायक तो नहीं है, तो इसलिए निकाल के फिर साफ पानी भरा जाएगा इसमें। गाइस हम लोग तंबू में बैठे हुए थे और भाई खाना ही लेके आ गया खुद ही। थैंक यू यार, क्यों इतना सब कुछ ले आया यार ये है? तो बहुत सब कुछ ले आया भाई, तंबू में बैठे बैठे ही खाना हो जाएगा। मस्त खाना है, एक है दाल, दाल हलवा और इतनी सारी रोटी पराठे आए हैं। बटर के लिए मैं दूध लाया था, पराठा और दे दूंगा। थैंक यू भाई, सब कुछ है यार इतना बढ़िया। क्या बटर चिटरे हो गया? शर्मा रही है बहुत, चालू है। देखो क्या वो ही खाना लाए हैं, ले जाएंगे वापस फिर ना कुछ भी गुजरातिया। थैंक यू भाई यार, थैंक यू सो मच। तुम लोग कब खाना खाते हो? अच्छा सही 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 भाई, ये तो बहुत सारा खाना आया है गाइस। ये देखो एक तो बटर के लिए निकाल के रख देते हैं, बटर के लिए दूध लाया हूँ, पर ये भी निकाल के रख देते। तीन पराठे अलग से तुम्हारे दूध के साथ दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और ये मेरी रोटी चावल सब, मज़ा ही आ गया आज तो कसम से, इससे अच्छा खाना क्या ही मिलेगा, मज़ा आ गया एकदम। तो गाइस बटर मैडम ने भी सोचा कैम में ही खा लेते हैं, और हलवा खाया, पराठा रोटी, ऐसी बटर मज़ा आ रहा है क्या ऐसी खाने में? वैसे तो तुम खाते नहीं, तुम्हें दूध दही चाहिए। क्या बताऊँ यार, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है ये वाला खाना, इस पराठे में ना अजीब सा ही कुछ टेस्ट मिला हुआ है, जो मतलब कहीं भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसे ही ठीक है, बिना दूध के हो जाएगा। हाँ ठीक है कर लो खा लो। तो गाइस मैंने खा लिया है, बटर मैडम भी साथ में खा ही रही है, और आश्रम से बढ़िया खाना आ गया है, थैंक्स टू शिव शक्ति आश्रम। और यहाँ पे जितने बच्चे हैं, स्वामी जी जो हैं, जिन्होंने खाना भिजवाया है, और आप मानोगे नहीं, मुझे लग रहा था दाल है, बट वो पनीर की सब्जी थी। मेरे को बाद में पता चला, मैंने नीचे से उसको निकाला तो पता चला कि अरे ये दाल नहीं, ये पनीर की सब्जी है भाई। और बहुत ही बढ़िया खाना, एंड जैसा मैं आज भी बोला था पिछले कुछ ब्लॉग्स में ही मैंने बोला है कि महाराष्ट्र में बस कुछ है, महाराष्ट्र के लोग थोड़ा एक स्टेप आगे जाके हेल्प करते हैं, मतलब हेल्प तो सभी स्टेट के लोग करते हैं, बट महाराष्ट्र के लोग एक कदम थोड़ा आगे रहते हैं हेल्प करने में। और आज हम लोगों का खर्चा देखा जाए तो सुबह 70 रुपये लगे थे, उसके बाद 40 रुपये लगे थे, और उसके बाद पैसा ही नहीं लगा कहीं, क्योंकि चाय वाय एक दो जगह पी थी, वो भी जो है अंकल जी ने पैसे नहीं लिए थे। तो बेसिकली 110 रुपये ही सुबह से हम लोगों के आज खर्च हुए हैं, और ये वन ऑफ द लोएस्ट बजट है, मेरे को लगता है द लोएस्ट बजट यही है आज का 110 रुपये। तो अब फिलहाल टाइम हो गया है सोने का, खाना खा लिया, चार्जिंग पे लगा देते हैं, बराबर में चार्जिंग पॉइंट है, सोते हैं, कल उठेंगे, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।